ब्रंगेस बनाया जाता है सबसे पहले तो. ब्रंगेस भी अकॉर्डिंग टू लो बनाया जाता है. लो मतलब लो ये है राशि, जैसे आपके इसमें राशि होता है, हमारे बुद्धिज्म में ये लो कहा जाता है इसे. जो नया साल होता है हाँ जी हाँ उसको जी कहा जाता है लोसर, हाँ जी राइट? हाँ जी हाँ जी कुछ उसके बारे में बताइए ना। लो कहते हैं, लो सर कहते हैं हमारे. लो सर में हम लो मतलब कि साल, सर मतलब कि नया, तो इस तरह से लोसर मनाया जाता है. और लोसर जो है, मैं बताना चाहूँगी, सिर्फ किन्नौर में ही नहीं बल्कि लाहौल स्पीति और साथ में हमारे लद्दाख में भी मनाया जाता है. तो बेहद ही खूबसूरत एक ये फेस्टिवल है. तो सब गांव का अलग अलग तरीका होता है मनाने का. तो मैं स्पेशली हमारे जो हमारी जो वैली है, हुमसो वैली कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन गांव हैं, लाबरंग, कानम, स्पीलो और करला, मतलब करला और स्पीलो का एक ही पंचायत है. तो इस वैली में जो है लोसर जो है 3 दिन के लिए मनाया जाता है. वैसे इसकी शुरुआत तो बहुत उससे पहले दिन से ही शुरू हो जाती है. काफ़ी कुछ हमारे रिचुअल्स होते हैं, काफ़ी, जैसे हम लोसर से पहले दिन जो है शाम के समय वो हमारे बुद्धिस्ट फ्लैग होते हैं. आप देखोगे किन्नौर में किसी भी घर में जाओगे आप, बुद्धिस्ट फ्लैग छत पे लगाए जाते बिल्कुल हैं. तो उसको जो है उस दिन चेंज किया जाता है, तो नया फ्लैग लगाया जाता है. फिर थोड़ी पूजा होती है, फिर शाम होते होते जो भी हमारे ट्रेडिशनल पकवान होते हैं, जैसे हमारे साइड पूरी बनाई जाती है जिसे खुरा बोलते हैं, और चिल्टा बनाया जाता है जिसे हमारे साइड, जो मैं हुमसो में बोल रही हूँ, वहाँ पे पोली कहा जाता है. तो ये सारी चीज़ें जो भी पकवान होते हैं उनको बना के रखा जाता है, और शाम को ये भी बोलते हैं. तो उसको जो पहला दिन, जो पिछला दिन होता है लोसर से, उसको खुरा कहा जाता है, क्योंकि उस दिन खुरा बनाते हैं. तेल की महक आनी चाहिए बोलते हैं, कि जो सरसों के तेल में जो खुरा बनता है ना, उसकी महक आनी चाहिए. तो वो एक अच्छा माना जाता है हमारे साइड, तो उसको बनाया जाता है. तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है. और नेक्स्ट डे हमारा वो दू बनाया जाता है, जिसको हम कौन बोलते हैं ना, सत्तू का. तो उसके लिए वो एक क्यावा, जो एक लंबा सा डंडा होता है ना, वो होता है उसका चुल्ली का, तो उसको छिला जाता है रात को. तो उसको तैयार करके रखते हैं कि नेक्स्ट डे बनाना है. तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रिचुअल्स हैं, जैसे अपने जो आपने नेक्स्ट डे जैसे ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी है उसको आप लगा के रखोगे, जो आप गार्लैंड पहनते हैं, और जो हमारे पाइन नट, जिसको हम न्योजा बोलते हैं ना, हमारे साइड तो रीत बोलते हैं, तो उसको बना के रख देते हैं, टोपी में फूल लगा के रख देते हैं. तो ऐसी छोटी छोटी तैयारियाँ जो होती है वो हम लोसर से पहले दिन करके रखते हैं. और लोसर वाले दिन शुरुआती तौर पे, जैसे हम भी जब भी हमारे जो भी हमारे मेंबर्स आते हैं, फैमिली मेंबर्स आते हैं, उनको सबसे पहले हम विश करते हैं लोसमा टाशी. लोसमा लोसमा टाशी मतलब मतलब हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर, हाँ ओके। जी. तो इस तरह से हम ग्रीट करते हैं सबको जो भी हमें मिलते हैं, और अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में. और टोपी हमेशा मतलब सुबह से हमें पहननी है जैसे हम उठते हैं. तो उसके बाद ब्रंगेस बनाया जाता है सबसे पहले तो. ब्रंगेस भी अकॉर्डिंग टू लो बनाया जाता है. लो मतलब लो ये है राशि, जैसे आपके इसमें राशि होता है, हमारे बुद्धिज्म में ये लो कहा जाता है इसे. तो लो भी हर साल अलग अलग होता है. तो जैसे मान लीजिए इस साल हमारा शेर का लो है, थर लो बोलते हैं जिसको हम, तो वो है. तो उसको जो है, उसके जितने मेंबर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ब्रंगेस बनाया जाता है. अगर थर शेर के लो के मतलब आपके परिवार में 3 लोग हैं तो 3 ब्रंगेस बनाया जाएगा. तो ब्रंगेस जो है वो सत्तू का बनाते हैं, और उसके बाद में जो है वो एक वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, मक्खन. मक्खन से उसकी आउटलाइन करते हैं, और ऊपर कहते हैं कि सुमेरु पर्वत के तौर पे उसको ऐसे बनाते हैं कि मतलब उसकी तरह ये दृढ़ है. तो बहुत उसका मीनिंग होता है बहुत सारा. तो वो बनाते हैं, तो उसको एक हमारे उसमें लेते हैं, एक प्रात में लेते हैं. फिर उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, जो हमने व्यंजन बनाए थे पिछले दिन वो डालेंगे. तो एक तरह से उसको बना के सजा के रख देंगे हम ऊपर. फिर दिया जलाते हैं. और मैं बताना भूल गई, पिछले दिन हम लोग फो भी बनाते हैं. फो मतलब वो होते हैं जानवर बनाते हैं छोटे आटा के, और उसको उस पे क्या बोलते हैं, मिलिंग यानी कि जो चूल्हा होता है उसके ऊपर पकाते हैं. तो उसको बना के रखते हैं. तो वो एक्चुअली होता है कि ऐसी मान्यता है कि हमारे जैसे बकरा बकरी बनाएंगे, घोड़ा बनाएंगे, तो ये बनाएंगे तो हमारे जो खुड होता है, बोंग बोलते हैं ना हम लोग, तो उसमें इस इनकी वृद्धि होगी इस साल, मतलब अच्छा होगा. तो इस उससे बनाते हैं, इस पर्पज़ से. तो उसको बना के चौकजे के ऊपर पूरा सजा के, दिया जला के, मतलब ऐसे सजा के रखते हैं. फिर उसके बाद जो हमारे
तथागत बुद्ध हैं जिनको हम शक्यथुबा बोलते हैं, तो उनकी मूर्ति जो है हमारे छुक्कंग जो पूजा घर से है वो लाया जाता है, तो उनका जो छग छग यानी कि आशीर्वाद पूरे फैमिली को दिया जाता है। सब अपने टोपी उतार के उसको लेते हैं, तो और साथ में जूनिपर जिसको हम शुर बोलते हैं तो वो जलाया जाता है, तो बहुत ही प्यूरीफाई किया जाता है और बहुत ही सुंदर एक मतलब ट्रेडिशनल जो बहुत ही पुराने ज़माने से मेरे दादा के दादा मतलब सबकी अपनी अपनी प्रथा है ना, तो उससे वो चली आ रही है, वो उनको वो करते हैं, फिर सब परिवार साथ में बैठते हैं, फिर उसके बाद सबसे पहले जो है जो हमारा जो चूल्हा होता है जिसको हम मिलिंग बोलते हैं, वहाँ पे दू बनाया जाता है जिसको हम कौन बोलते हैं उसका सत्तू का, तो वो बनाते हैं, वो बनाती है जो उस घर की जो लेडी है, जैसे मेरी मम्मी है वो बनाएंगे, जैसे मेरी दादी है वो बनाएंगे, दादी अपने समय पे बनाते थे, मम्मी अब अपने टाइम पे बना रहे हैं, तो उसको बना के एक थाली में निकाला जाता है, तो सबसे पहले फिर उसको जो चूल्हा है उसकी पूजा की जाती है, पूजा उससे की जाती है, उसमें ड्राई फ्रूट लगाया जाता है, तो वो मतलब साल फसल अच्छे होने के लिए किया जाता है, तो वो जो मैंने क्यावा बताया था आपको ना जिससे बनाते हैं, तो उसको भी ऐसे लगा के ऊपर वहाँ पे रखा जाता है, तो उसके बाद जो वो जो कौन बनाया जाता है वो पूरे फैमिली को एक ही उससे बटर लगाते हैं बीच में और उसको ऐसे मतलब सब पूरे फैमिली खाते हैं, तो इसका मतलब ये कि प्यार बढ़ता है फैमिली के बीच में। फैमिली एक मतलब हमारे ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं जिनका बहुत छोटा छोटा मगर बहुत गहरा मीनिंग है जो हम समझते नहीं हैं, पर आज के टाइम पे अगर देखें वो चीज़ें बहुत एक इम्पॉर्टेंस रखती हैं हमारे आज की लाइफ में, तो वो भी मैंने नोटिस किया कि भाई एक ही प्लेट में सभी मतलब कितना कम होता है ये चीज़ें फैमिली का मिलना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वैसे वैसे करते हैं, फिर खाते हैं पीते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, फिर लोग जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो भी आते हैं, फिर वो भी आपको लोसमा टाशी विश करके मतलब पूरा गार्लैंड बनाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हमारे गुम्पा मतलब कि जहाँ मोनेस्ट्री है ना वहाँ पे एक छत है, तो वहाँ पे जाके जितने भी गांव के लोग हैं सब अपने अपने घर में मनाते हैं पहले लो सर, फिर शाम के टाइम सब अपने ट्रेडिशनल अटायर में, सारे लेडीज़ जो हैं दोरू पहनती हैं, जो जेंट्स हैं वो छुबा पहनते हैं फूल लगा के, वो गार्लैंड पहन के सब वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल डांस चलता है। और उस समय होता ऐसे कि लोसर जो है ये बुद्धिस्ट मान्यता के अनुसार ना जैसे बुद्धिज़्म में ये जो लामा जी है ना जो हमारे हेड लामा होते हैं, तो उनका भी कुछ होता है कि वहाँ उनको परमिशन लेने जाते हैं उनको कि हमारे को ये गुम्पा में इजाज़त चाहिए यहाँ पे डांस करने की, तो वो जो लोग होते हैं ना कुछ लोग जाते हैं दारू और उसके साथ क्या बोलते हैं अगरबत्ती के साथ, फिर उनको ले के फिर एक तरह से उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा इज्जत होती है जो जितने भी मॉन्ग्स होते हैं ना हमारे गाँव के, तो उसमें जो सबसे पहला जो सोंगरी होता है ना सोंगरी जिसको मतलब याक के पूंछ का आपने देखा होगा इतना किन्नौर में लगाते हैं जो सबसे पहले लगाते हैं जो जो सबसे पहले डांस करता है, तो वो सबसे पहले जो हमारे गांव के हेड लामा होते हैं ना वही लगाते हैं, फिर बाद में जो जुमो होते हैं जो नंस होती हैं वो भी साथ में मतलब हम कायंग करते हैं, फिर धीरे 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 करके ना सारे लोग जो जो अकॉर्डिंग टू एज वो उस सोंगरी को लगाते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत एक ऐसा देखने को मिलता है कि पूरे छत पे आप बहुत अच्छा सा डांस हो रहा है, सामने जो गांव है हमारा कानम वहाँ पे भी अपने लोसर मनाया जाता है, तो वो भी आपको आवाज़ें सुनाई देती है अरे वहाँ पे भी मनाया जा रहा है, और अपने साइड से ट्रेडिशनल जो वाद्य यंत्र है उनकी धुन मतलब आज चलो आजकल के टाइम में जो डीजे हैं उसका एक अलग लेवल है, पर जो एक ट्रेडिशनल जो वाद्य यंत्र है जो हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं जो हमारे लोकगीत हैं वो एक अलग ही स्थान रखते हैं जो वो कभी नहीं कर पाएंगे जो आज के जो इंस्ट्रूमेंट है, तो वो एक अलग ही ऑरा प्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, तो शाम तक वो आपका डांस चलता है और लास्ट में सरगेत बेला बोल के ना हमारा एक ट्रेडिशनल वो एक इंस्ट्रूमेंट का अलग धुन होता है वो जब बजता है ना तो इसका मतलब ओवर हो चुका है, अब नेक्स्ट डे भी बहुत कुछ होता है, मतलब ऐसे तीन दिन हमारा मतलब ये जो कार्यक्रम है ना फुल फुल मजे। तो ये तीन दिन छुट्टी होती है क्या वहाँ सरकारी? सरकारी नहीं छुट्टी होती है, वो ऐसा होता है वैसे होना चाहिए मुझे लगता है क्योंकि इतना चीजें आपने एक्सप्लेन कर दी। हाँ। इसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीजों के लिए तो पर्सन को टाइम चाहिए ना बहुत, और ये भी एक दिन का मैंने बताया आपको। हाँ। दो दिन और ऐसा दो दिन अलग रिचुअल्स। तो इसका वीडियो आपने कर रखा है? हाँ, वीडियो मैंने तीन दिन की बनाई हुई है, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आपको इंटरेस्ट हो ये सब जानने में तो ट्राइबल गर्ल करके इनका यूट्यूब चैनल है, पहले ये पॉडकास्ट देख लेना उसके बाद वहाँ जाना और जरूर से देखना।
तो जो ये नया साल एक तारीख होता है जैसे यूजुअली वो आपका वो नहीं मनाया जाता है हमारे साइड। आप मतलब अपनी प्रॉपर हमारे प्रॉपर ट्रेडिशनल जो जनजातीय त्योहार है वो मनाए जाते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी जो है वो नव वर्ष अलग है वैसे ही। हाँ जी हाँ जी।